नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे बीएस लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। रक्तदान एक मानव का दूसरे मानव को अनमोल तोहफा, पुलिस अधीक्षक महोबा। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा स्वयं रक्तदान कर उपस्थित लोगों का मनोबल बढ़ाया गया तथा सभी को रक्तदान करने की शपथ दिलाई गई। रिपोर्टर तौकीर अहमद। महोबा 1 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्त केंद्र महोबा जिला चिकित्सालय महोबा में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर महोबा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर इस राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारम्भ किया गया। इस मौके पर जनपद महोबा के गणमान्य नागरिकगण एवं विभिन्न सेवा संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल द्वारा स्वयं अपना रक्तदान किया गया एवं आम जनमानस को इस पुनीत कार्य रक्तदान करने हेतु प्रेरित करते हुए उपस्थित लोगों का मनोबल बढ़ाया गया तथा सभी को रक्तदान करने की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर अमर उजाला फाउंडेशन तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा इस शिविर का आयोजन किया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में रक्तदानियों ने स्वेच्छा से रक्तदान हेतु अपना पंजीकरण कराया तथा महादानियों ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर पीआरओ पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह गौर सहित पुलिस विभाग के अधिकार व कर्मचारीगण के साथ जनपद के प्रबुद्ध जन, गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पवन कुमार अग्रवाल, रक्त केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार भट्ट, डॉक्टर योगेंद्र सिंह रिजावत, रक्त केंद्र के टेक्निकल सुपरवाइजर शरद चंद्र, परामर्शदाता नदीम अहमद सहित समस्त टेक्निकल स्टाफ उपस्थित रहा। आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।